वैसे तो पहले इन इनटू और इनसाइड का कंपैरिजन सीख लेते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं मैं, हिंदी में इनसाइड को कहते हैं के अंदर, इनटू को भी कहते हैं के अंदर। अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाए तो इन दिखाता है स्टेबिलिटी को, इनसाइड भी दिखाता है किसी चीज के अंदर स्टेबल पोजीशन, जबकि इनटू दिखाता है किसी चीज के अंदर मोशन। हिंदी को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इनटू और इनसाइड एक जैसे, इंग्लिश को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इन और इनसाइड एक जैसे। तो हमें ना हिंदी देखनी है ना इंग्लिश, हम तो हर शब्द की पोजीशन को समझेंगे, इससे कंफ्यूजन रह गया। तो हम अपने दिमाग में क्या ध्यान करेंगे, हम ध्यान करेंगे पोजीशन। तो ध्यान से देखो, हर वो चीज जो ऊपर की तरफ से खुली दिखाई जाती है उसको इंग्लिश कहती है इन, हर वो चीज जो हर तरफ से कवर्ड दिखाई जाती है, कहीं से भी आपने एंट्री कर लिया पर बेसिकली दैट रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड स्पेस, तो उसे इंग्लिश इनसाइड कहती है। और हर वो जगह जहां पे आप बाहर से अंदर की तरफ मोशन को दिखा रहे होते हो उसे इंग्लिश इनटू कहती है। कैसे? हम कहेंगे देयर इज वॉटर इन द ग्लास, क्योंकि अगर हम ग्लास को देखें तो वो ऊपर की तरफ से हमेशा खुला होता है, जबकि हम कहेंगे आई वॉज सिटिंग इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम। यहां पे हम कमरे की बात कर रहे हैं विच इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड, आप कहीं पे भी बैठ के ग्लास लगा रहे हो तो आप देख सकते हो इनसाइड वाली पोजीशन आपकी होगी। अब हमें मोशन दिखाना है तो हम कहेंगे ही जंप्ड इनटू द पूल या स्विमिंग पूल या रिवर, कुछ भी लिख दो आप। अब जंप कर रहा है पूल में तो बाहर से अंदर की तरफ क्या आ रही है, मोशन की फील आ रही है, इसलिए आंसर क्या ले लिया बच्चों हमने, इनटू ले लिया। समझ गए?